स्वागतम शुभारमन हम सदा साउथ मलाका नगर क्षेत्र प्रयागराज में कौन बनेगा चैंपियन खेल प्रारंभ होने जा रहा है। यह खेल बच्चों के सामान्य ज्ञान की क्षमता को बढ़ाने के लिए विद्यालय में एक नवाचार के तौर पर प्रयोग किया गया और इससे बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिला। तो आइए आज हम कौन बनेगा चैंपियन खेल प्रारंभ करने जा रहे हैं। इस खेल के कुछ नियम है, इसमें चार राउंड है जिसमें हर राउंड में बच्चे को तीन तीन प्रश्न दिए जाएंगे और अगर बच्चा वो तीनों प्रश्न का उत्तर सही बता लेता है तो ही वो अगले राउंड में जाएगा। गुड राउंड, बेस्ट, बेटर राउंड, बेस्ट राउंड और लास्ट में है चैंपियन राउंड। और एक लाइफ लाइन आपको मिलेगी जिसका यूज वो अपने किसी फ्रेंड को बुलाकर उस क्वेश्चन का आंसर अगर नहीं आता है तो वो उसका यूज कर सकता है। अगर उसने गलत आंसर बता दिया तो वो खेल से बाहर, ठीक है। तो चलिए आज हम अभी पहले इस हॉट सीट पर आने के लिए कुछ वर्ड्स बोलते हैं जिसको कि आपको लिखना है। लिखिए आशीर्वाद, लिखिए आशीर्वाद, कर्तव्य, जल्दी लिखिए, अंडमान निकोबार की कैपिटल लिखिए, राजधानी क्या है, पोर्ट ब्लेयर लिखिए, पोर्ट ब्लेयर, चंडीगढ़, जल्दी वहां चलाइए, जो सबसे पहले लिखे प्राइमरी, प्राइमरी की स्पेलिंग लिखिए इंग्लिश में ना, हाँ इंग्लिश स्पेलिंग, साउथ मलाका की लिखिए, फ्रेंड, हेलो, जल्दी लिखिए, स्कूल, स्टॉप, जिसका हो गया वो दे रहे हमें, जिसका भी दो तुम्हारा वो तो भैया दो, कोई नहीं लिखेगा, तुमने नहीं लिखा, तुम्हारा गलत था, सही हो गया,
अब देखिए ये तीनों में टाई हो गया है, इधर बस अब आप लोग बैठ जाइए, हाँ बाकी को ये गलत हो गया है, बैठ जाइए। अब हम ओरल पूछते हैं क्वेश्चन, अब लिखा नहीं है, जो सबसे पहले आंसर दे देगा फर्स्ट राउंड में वो आ जाएगा हॉट सीट में, ठीक है। चलिए जरा हमें बताइए स्टूडेंट किस पे नहीं, आइए रितिका हॉट सीट पर आ गई, आइए रितिका इसे आइए, क्लास थ्री की रितिका हॉट सीट पर आ चुकी है और अब ये जो है इनके साथ हम आज का केबीसी का खेल खेलेंगे, ठीक है। रितिका के लिए छोड़ा तालियां। और रस आम के आम कॉन्फिडेंट है आप लॉक कर दे, सही बच्चों आम के आम, अच्छा भैंस के आगे जिसकी लाठी सही है ना, ये मुहावरा होता है। तो देखिए ये क्वेश्चन इनका ये आंसर सही हो गया है। दूसरा है एक रुपए में कितने पैसे होते हैं, आप लोग नहीं बोलेंगे वो हॉट सीट पे है ना वो बोलेगी, चलिए इनके लिए फिर से क्वेश्चन बना देते हैं। एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24, एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, कितने मिनट 60 मिनट, अच्छा एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, मिनट में 60 सेकंड ना, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए ये भी आपका सही हो गया है। अब आइए वॉवेल का कौन सा समूह सही है, ए बी आई ओ बी, ए सी डी आई यू, ए ई आई ओ यू या बी ए डी सी पी, ए ई आई ओ यू, अच्छा बताइए कितने अल्फाबेट्स होते हैं आपके इसमें, 26, और हिंदी में कितने होते हैं, 11, 52 टोटल अक्षर 52, और स्वर कितने होते हैं, 11 होते हैं, वेरी गुड। सुनाइएगा स्वर कौन कौन से, बस ना अंगहा नहीं होगा ना, वेरी गुड, क्लैपिंग करिए। चलिए गुड राउंड में रितिका जीत चुकी है ये ट्रॉफी और डन जोरदार तालियां बजाइए। अब गुड राउंड के बाद है बेटर राउंड, बेटर राउंड के क्वेश्चन थोड़े से टफ होंगे। देखिए स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, श्री लाल बहादुर शास्त्री, श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, श्री सुभाष चंद्र बोस। अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप लाइफलाइन ले सकती है अपनी फ्रेंड को बुला के, आप अपने किसी फ्रेंड को एक पूरे गेम में एक लाइफलाइन ले सकती है, आप बुला लीजिए किसी को। आइए नंदनी आप बताएंगे क्या स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सही है बच्चों। देखिए अभी आप गलत करती और आप गेम से बाहर हो जाती, फिर दूसरे बच्चे को चार देते, ये ऑप्शन क्या बोला था, सी सी बोला था। चलिए ठीक है, चलिए लाइफ लाइन आपकी चली गई, कोई बात नहीं, पूरे गेम में एक ही लाइफ लाइन है, ओके लॉक कर दे इसको, ओके। निम्न में फरवरी की सही स्पेलिंग बताओ, अब इसमें से देख के आप बताइए कौन सी स्पेलिंग सही है, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन बी बिना देखे बताइए फरवरी की, गुड सब अब है एक पेन का दाम 25 रुपए है, चार पेन का दाम बताओ,
सौ। अच्छा एक पेन का दाम 20 रुपए है, तो चार पेन का, एक पेन का 20 है तो चार पेन का, चार पेन का 80। वेरी गुड, क्या किया आपने, गुणा कर दिया। अच्छा ये तो ठीक था, समझ में आ रहा है, 25 में 4 से गुणा किया कितना गया 100। सही है इसका आंसर, वेरी गुड। चलिए आपको मिलता है ये पेंसिल बॉक्स, मैम आप दीजिए, खड़ी हो जाओ, खड़ी हो जाओ, तालियां। अब नेक्स्ट राउंड है बेस्ट राउंड, इसके क्वेश्चन थोड़े और टफ हो रहे हैं। अब देखिए इंद्रधनुष के रंगों के नाम का कौन सा समूह सही है, आप इसमें से ध्यान से देख लीजिए और बताइए कौन सा समूह सही है इसमें। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी सुनाइए, सही है बच्चों, वेरी गुड। अच्छा हिंदी के बहनों के नाम याद है आपको, सावन भादव कुआर कार्तिक पूष माह, अगहन पूष माह फाल्गुन। वेरी गुड, चलिए इनका ये आंसर हम लॉक कर रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त का रंग लाल किसके कारण होता है, ऑप्शन देख लीजिए, क्लोरोफिल, हीमोसाइनिन, हीमोग्लोबिन और फेरोसाइनिन। चलिए इनका ये आंसर सही हो गया है, हमारे देश में कुंभ का मेला चार स्थानों पर लगता है, ये स्थान है हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और चौथा आपको भरना है, अब आप बताइए लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज या कानपुर। प्रयागराज, प्रयागराज सही है। क्या नाम था प्रयागराज का पहले, इलाहाबाद, इसमें ही कौन बताएगा प्रयागराज की, कौन बताएगा, बता दो, वेरी गुड, ये इलाहाबाद प्रयागराज की बताओ, प्रयागराज, हरिद्वार होगा। चलिए ये भी आंसर इनका सही हो गया, चैंपियन राउंड और लास्ट राउंड बचा है मेरे पास, छोटे बच्चों के पास चलते हैं और देखते हैं कि ये कड़ी, प्रियंका एबीसीडी याद है, आई कभी नहीं है,
बच्चे बात नहीं होगी, देखिए पहला है ऑटोमेटिक टेलिंग मशीन, ऑटोमेटिक टेलिंग मशीन, ऑटोमेटिक टेलर मशीन और ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ऑटो कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन सी सही है बच्चों। आप लोगों को भी याद है बताइए। वेरी गुड। कभी एटीएम देखा है? मैम ये है एटीएम, कैसा होता है ये? एटीएम में पैसा डालते हैं, पैसा क्या डालते हैं? कार्ड, कोई कार्ड डालते हैं और क्या कहते हैं पैसा निकल आता है। अब नेक्स्ट राउंड है, ये कुछ हमने संख्या लिख दी है और उनको शब्दों में पढ़ना है और इस वाले इसमें पहले इनको सेट करना है। लीजिए आप सेट करिए इकाई दहाई से, तब आप उनको शब्दों में पढ़ेंगे। देख लीजिए, एक दो एक पांच दो एक दो, इसको सेट करिए। अब इसमें ये पढ़ के दिखाइए हमको कैसे सीखा है। दो सौ बारह सही है बच्चों। बारह लाख बारह ऑप्शन 12,15,212 लॉक कर दें इसको, कॉन्फिडेंट है? ठीक है, ताली बजाइए। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, इस भवन इमारत या किला को पहचानना है कि क्या है? आप देखिए इसको और बताइएगा, आप लोग नहीं बोलेंगे। रितिका चार ऑप्शन है, लाल किला, आनंद भवन, स्वर्ण मंदिर और डी है सारनाथ का बौद्ध स्तूप। इसमें से क्या है ये? आनंद भवन। आनंद घर है ये? किसका घर है? वेरी गुड, संजू के लिए नाम लीजिए संजू। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अच्छा राष्ट्रपति कौन थे? चलिए अब आज का ये खेल जो है, और रितिका आपने ये चीज हमारी जीत ली है आज, और सब बच्चे जो है तालियों से इनका स्वागत करेंगे। तालियां बजाइए, तालियां बजती रहे।